अच्छा जी, पहले ज़रा सिचुएशन समझें कि कब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल, यू नो दैट कि जब हम गुड्स एक्वायर करते हैं या हम सर्विसेज एक्वायर करते हैं किसी से, तो नॉर्मली क्या होता है कि हम गुड्स एक्वायर करते हैं तो हम एसेट को डेबिट करते हैं और उसके अगेंस्ट जो पेमेंट होती है नॉर्मली हम कैश फॉर्म में करते हैं। जी। अगर उधार पर भी लेते हैं तो फॉर द टाइमिंग लायबिलिटी नोट कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो पेमेंट में कैश क्रेडिट कर देते हैं। सिमिलरली अगर हम एम्प्लॉई से सर्विसेज लेते हैं तो उस सर्विसेज के अगेंस्ट हम उसे सैलरी पे करते हैं और एक्सपेंस डेबिट हो जाता है और कैश क्रेडिट हो जाता है, ठीक है? ये जो मोड ऑफ पेमेंट है ना, जो हमने अभी गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट की है, ये नॉर्मली एक नॉर्मल फिनोमेना है कि कैश पेमेंट की जाती है, या अगर क्रेडिट पे भी लिया जाता है तो पेमेंट्स जो होती है वो कैश या चेक्स की फॉर्म में पेमेंट की जाती है। इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज IFRS 2, तो जैसे इसका नाम है, तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज हम एक्वायर करेंगे लेकिन पेमेंट का जो मोड होगा उसमें हम शेयर बेस्ड पेमेंट करेंगे, ठीक है? सही है? सही है। अब शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब क्या है? शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब ये है कि अगर मैं गुड्स एक्वायर करता हूँ किसी पार्टी से तो उसके अगेंस्ट जो कंपनसेशन पे होगी वो शेयर बेस्ड होगी। अब शेयर बेस्ड का एक मतलब है, मतलब क्लियर कर लेते हैं। शेयर बेस्ड पेमेंट दो तरह की होती है। एक शेयर बेस्ड पेमेंट होती है, इट्स कॉल्ड इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, और दूसरी कहलाती है आपकी कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, ठीक है? अच्छा, इक्विटी सेटल्ड में तो समझ में आता है कि जी हम गुड्स या सर्विसेज एक्वायर कर रहे हैं और उसकी जो पेमेंट होगी वो किस फॉर्म में होगी। इक्विटी सेटल्ड का मतलब है कि पेमेंट या तो शेयर्स की फॉर्म में होगी, आउटराइट हम शेयर्स दे देंगे, या फिर हम शेयर्स नहीं देंगे, शेयर्स खरीदने का राइट दे देंगे, विच इज कॉल्ड शेयर ऑप्शन, ठीक है? तो अगर हम गुड्स एक्वायर करें किसी सप्लायर से या सर्विसेज लें किसी थर्ड पार्टी से या सर्विसेज लें एम्प्लॉयज से, तो उसमें पेमेंट मोड अगर शेयर्स के साथ या शेयर ऑप्शंस के साथ कनेक्टेड है बाय मींस ऑफ इक्विटी, तो हम कहेंगे ये शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन तो है बट दिस इज कॉल्ड इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है? इसमें कंपनी कैश नहीं दे रही उसको, ठीक है? ठीक है। सिमिलरली जब हम फॉर एग्जाम्पल गुड्स या सर्विसेज एक्वायर करें और पेमेंट हम कैश फॉर्म में करें लेकिन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हम डिटरमिन करेंगे उसकी वैल्यू हम इक्विटी से डिटरमिन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जी मैं आपको कैश पेमेंट करूंगा लेकिन मैं आपको पेमेंट जो करूंगा वो 10,000 शेयर्स की जो भी वैल्यू बनेगी वो वैल्यू आपको पे करूंगा कैश फॉर्म में, ठीक है? डिफरेंशिएट करो, एक तरफ मैं ये कहता हूं कि मैं आपको कैश नहीं दूंगा, मैं आपको शेयर्स दूंगा या शेयर ऑप्शंस दूंगा, और दूसरी तरफ मैं ये कहता हूं कि मैं आपको कैश दूंगा लेकिन वो कैश की वैल्यू निकालने के लिए मैं देखूंगा कि इक्विटी की वैल्यू क्या है। तो पेमेंट अगर इक्विटी के साथ लिंक करके दी जाए तो वो सेट ट्रांजेक्शन भी IFRS 2 के स्कोप में आएगी, लेकिन अगर पेमेंट आउटराइट दी जाए और उसमें इक्विटी का कोई कनेक्शन ना हो, कैश की फॉर्म में दी जाए और उसको इक्विटी से लिंक ना किया जाए, तो फिर हम ये कहेंगे कि IFRS 2 के स्कोप में ये ट्रांजेक्शन नहीं आ रही। अच्छा, सही है, ये तो बात हो गई कि IFRS 2 का स्कोप क्या है, ठीक है? अब लेट्स डिस्कस फर्स्ट कि इक्विटी सेटल्ड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। अब इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड ट्रांजेक्शन में जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि या तो हम गुड्स एक्वायर कर रहे होंगे किसी से या फिर हम सर्विसेज एक्वायर कर रहे होंगे। अब गुड्स जब एक्वायर किए जाते हैं तो नॉर्मली हम गुड्स के अगेंस्ट एसेट रिकॉर्ड करते हैं, और जब सर्विसेज एक्वायर करते हैं तो हम उसमें ये देखते हैं कि ये जो सर्विसेज हमने एक्वायर की है ये सर्विसेज हमने किससे एक्वायर की है, सर्विसेज किसी थर्ड पार्टी से एक्वायर की है या ये सर्विस हमने अपने
एम्प्लॉय से एक्वायर की थी। ये डिस्टिंग्विश हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम एंट्री पास करने जाएंगे, वैल्यू रिकॉर्ड करने जाएंगे, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम वैल्यू किस चीज से रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि एक तरफ हमें गुड्स रिसीव हो रहे हैं या सर्विसेज रिसीव हो रही है, और दूसरी तरफ हमें उसके अगेंस्ट इक्विटी इशू करनी है। और होता यह है कि गुड्स की एक अलग वैल्यू होती है या सर्विसेज की एक अलग वैल्यू होती है और इक्विटी की अलग वैल्यू होती है। तो शुड वी यूज द वैल्यू ऑफ गुड्स इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन और वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये सवाल क्रिएट होता है, सही? तो हम इसका सोल्यूशन ये निकालते हैं कि गुड्स के केस में फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स कैन बी रिलायबली मेजर्ड। हमें पता होता है कि जो स्टफ मैं बाय कर रहा हूँ उस स्टफ की वैल्यू क्या है। अब मैं ये नहीं देखूंगा कि जो मैं इक्विटी इशू कर रहा हूँ उसकी वैल्यू क्या है। तो जो भी मैं अकाउंटिंग एंट्री पास करूंगा, फॉर एग्जांपल गुड्स की मैंने फेयर वैल्यू फाइंड आउट की, गुड्स की वैल्यू आ गई आपकी 10,000। जो इक्विटी में इशू कर रहा हूं उसकी इक्विटी की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 11,000। अब मैं ये नहीं करूंगा कि मैं गुड्स को अलग रिकॉर्ड करूंगा और इक्विटी को अलग रिकॉर्ड करूंगा। मैं सिंपली क्या करूंगा, एसेट अकाउंट को डेबिट करूंगा जो मैंने गुड्स एक्वायर की, और उसके अगेंस्ट जो मैं क्रेडिट करूंगा वो भी इक्विटी की वैल्यू को क्रेडिट करूंगा। नाउ एक सवाल माइंड में ये आता है, वो ये कहे कि जी अगर गुड्स की वैल्यू रिलायबली मेजर ना हो फिर क्या किया जाए। तो हम कहेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि गुड्स की वैल्यू रिलायबली मेजर ना हो, क्योंकि हम जिससे भी गुड्स खरीदेंगे नॉर्मली उसको उसकी प्राइस पता होती है। लेकिन इसका एक सोल्यूशन ये है कि इन केस अगर हम गुड्स लें या सर्विसेज लें और फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर ना हो रही हो, तो फिर दूसरा तरीका ये होगा कि हम इक्विटी की फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये तो बात हो गई गुड्स की, ठीक है। अच्छा, अगर हम थर्ड पार्टी से सर्विसेज लेते हैं, थर्ड पार्टी सर्विसेज का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, कॉन्ट्रेक्चुअल ना, हमने किसी आउटसाइडर से कहा कि जी हमें एक्स अमाउंट ऑफ, एक सेकंड होल्ड कर, हाँ जी, तो हमने एक थर्ड पार्टी से सर्विसेज ली। तो अब यूजुअली ऐसा होता है कि जब हम थर्ड पार्टी से सर्विसेज लेते हैं तो इस केस के अंदर भी हम ये क्लेम करते हैं कि फेयर वैल्यू कैन बी रिलायबली मेजर, क्योंकि थर्ड पार्टी डेफिनेटली जो भी मुझे सर्विसेज दे रहा है उसकी एक वैल्यू असाइन की जाती है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो यार मुझे पर्टिकुलर टॉपिक का ऑनलाइन लेक्चर चाहिए, हम एक थर्ड पार्टी हूँ आपके लिए, मैं कहूँगा जी ये लेक्चर 2,000 रुपये का है। तो आपको पता है कि जो सर्विसेज आप ले रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू 2,000 रुपये। तो अब आप जब इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास करने जाएंगे तो सर्विसेज के केस में आप एसेट तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो आप एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और इक्विटी की वैल्यू को क्रेडिट कर देंगे, लेकिन किससे, फेयर वैल्यू ऑफ सर्विसेज से, ठीक है। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम ये आता है कि हम सर्विसेज अगर एम्प्लॉय से ले रहे हैं फेयर वैल्यू नहीं आएगी ना, तो IFRS 2 ये क्लेम करता है कि फेयर वैल्यू ऑफ सर्विसेज कैन नॉट बी रिलायबली मेजर्ड। तो इसका ये मतलब नहीं होगा हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब हम अल्टरनेटिवली क्या करेंगे, हाँ, अब हम अल्टरनेटिवली क्या करेंगे, इनस्टेड फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इज टू बी यूज्ड। अब इक्विटी जो है ना, वो इक्विटी क्या है, या तो शेयर्स हैं या शेयर ऑप्शंस हैं। शेयर ऑप्शंस हैं। अच्छा, अगर शेयर्स हैं और एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो उसकी मार्केट वैल्यू यूज कर ली जाएगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर शेयर ऑप्शंस हैं तो शेयर ऑप्शंस की फिर हमें फेयर वैल्यू या तो किसी रिकग्नाइज्ड मार्केट से लेनी पड़ेगी, या अगर अवेलेबल नहीं हुई तो उसके लिए हम कोई मॉडल इस्तेमाल करेंगे
मींस वो मॉडल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो मॉडल हम यूज करते हुए फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी से आंसर डेवलप करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जी फेयर वैल्यू ऑफ सर्विसेज तो रिलायबली मेजर नहीं हो रही, लेकिन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी सर्विसेज की है 100,000। सो आर एक्सपेंस एंट्री शुड बी एक्सपेंस डेबिट बाय 100,000 एंड इक्विटी क्रेडिट बाय 100,000। सही, ये इसकी वैल्यूएशन का मसला हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, अब थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि शेयर ऑप्शंस क्या होते हैं और शेयर ऑप्शंस के केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। शेयर ऑप्शंस क्या होते हैं? एन ऑप्शन इज अ राइट टू बाय ऑर्डिनरी शेयर्स एट एन एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस क्या होती है? मार्केट प्राइस से डिस्काउंटेड प्राइस होती है। लेकिन ये राइट होगा एम्प्लॉय के लिए, ऑब्लिगेशन नहीं होगी। इसका मतलब है उसकी चॉइस है कि वो चाहे तो शेयर ऑप्शंस अवेल कर सकता है और चाहे तो ना करे। अभी जो ऑप्शंस दिए जाते हैं, ये ऑप्शंस किसी कंडीशन के अगेंस्ट दिए जाते हैं। यूजुअली ऐसा नहीं होता कि जी आज आप शेयर ऑप्शन हमसे ले लें और आपको कुछ भी ना करना पड़े। एम्प्लॉय क्या कर रहा होता है? एम्प्लॉय सर्विसेज तो दे रहा होता है, तो वो कंडीशन नॉर्मली या तो परफॉर्मेंस बेस्ड लगाई जाती है, या तो हम उसे कहेंगे कि जी आपको एक्स अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस मीट करनी है तब आपका ये शेयर्स का राइट एस्टेब्लिश होगा, या फिर हम ये कहते हैं कि आपको अगर परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है तो सर्विस कंडीशन लगा देते हैं। सर्विस कंडीशन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट में मैं एंटर हुआ एक एम्प्लॉय के साथ 2016 के 1 जनवरी को, विच इज नोन एज द ग्रांट डेट, जिस डेट में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, और मैं उसे ये कह रहा हूँ कि यू हैव टू रिमेन इन एम्प्लॉयमेंट टिल 2018। इसको कहते हैं वेस्टिंग डेट। सही, ये टर्मिनोलॉजी सवाल में आती है कि ग्रांट डेट क्या है, वेस्टिंग डेट क्या है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि 2016, 2017 एंड 2018 उसको 3 साल पूरे करने हैं, यानी कि उससे ये वेस्टिंग पीरियड उस कंपनी में गुजारना है। अगर वो उससे पहले चला जाता है, रिटायर हो जाता है, तो उसका ये राइट एक्सरसाइज नहीं हो सकता। सही है? तो वेस्टिंग डेट तक उसका एम्प्लॉयमेंट में रहना जरूरी है अगर ये सिर्फ सर्विस कंडीशन है, और अगर ये परफॉर्मेंस प्लस सर्विस कंडीशन है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट होते हैं। एफ टू के एग्जाम में सर्विस कंडीशन एग्जामिनेबल नहीं है। अच्छा, सिर्फ हमसे वो सर्विस, सॉरी मैंने गलत कह दिया, सर्विस कंडीशन एग्जामिनेबल है, परफॉर्मेंस कंडीशन एग्जामिनेबल नहीं है। ठीक है, तो हम सर्विस कंडीशन पे फोकस करते हैं। अब एक प्रॉब्लम ये आती है, प्रॉब्लम इस आईएफआरएस में ये आती है कि सर्विसेज हम ले रहे होते हैं ग्रेजुअली, 3 साल तक हम सर्विसेज लेंगे, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो कब इनकर्ड होगी? टेक्निकली देखा जाए तो जब हम उसे शेयर्स इशू करेंगे। सही है। और शेयर्स इशू करना हमारी ऑब्लिगेशन तो नहीं है, प्लस अगर वो सर्विस कंडीशन मीट नहीं करता तो फिर हम उसे कोई शेयर्स इशू नहीं करेंगे। तो एक आर्ग्यूमेंट ये है कि हम वेस्टिंग डेट तक इंतजार करें, जब वो राइट एक्सरसाइज कर ले तो हम अकाउंटिंग एंट्री पास कर दें। लेकिन अकाउंटिंग में क्योंकि हम जो भी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट मैचिंग प्रिंसिपल हम एम्प्लॉयज से बेनिफिट्स ले रहे हैं जी। तो उस बेनिफिट्स की एक एसोसिएटेड कॉस्ट हमें चाहिए, चाहे हमने पे किया हो या ना पे किया हो, कमिट तो किया हुआ है ना किसी तरह से, ऑल्दो वो लायबिलिटी नहीं है, लेकिन हम एंटिसिपेट करेंगे कि हो सकता है कुछ इंप्लॉय हमारी ये सर्विस कंडीशन मीट कर लें।
तो हम एस्टिमेटेड अमाउंट वर्कआउट करेंगे अगेंस्ट दिस शेयर ऑप्शंस. ऑल्दो इट्स बिट डिफिकल्ट, लेकिन इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यही है कि आपको हर साल एक अमाउंट एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है और उसके अगेंस्ट इक्विटी की वैल्यू क्रिएट करनी है. ठीक है, लेट्स डिस्कस किए किस तरह से होगा. फॉर एग्जाम्पल, हमने हर एम्प्लॉय को नंबर ऑफ ऑप्शंस दे दिए 10,000. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास थे 500. ग्रांट डेट मैंने एज्यूम की 1st जनवरी 2016, सही? अच्छा, 31st दिसंबर 2016 के ऊपर फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी हमारे पास मौजूद है $8. अब मेरी इस डेट के ऊपर मैं ये चेक करूंगा, मैं ये असिस करूंगा कि ड्यूरिंग 2016 कितने एम्प्लॉयज छोड़कर जा चुके और अगले दो साल में कितने मोर एम्प्लॉयज छोड़कर जाएंगे. क्यों? क्योंकि मुझे एंटिसिपेट करना है उन एम्प्लॉयज के ऊपर जिनको मैं पेमेंट करूंगा या जो मुझसे इक्विटी डिमांड करेंगे. अभी मैं सिंप्लीफाई करने के लिए ये एज्यूम कर लेता हूं ऑल एम्प्लॉयज विल रिमेन इन बिजनेस. फिर नेक्स्ट एग्जांपल में इसके अंदर वेरिएशन कर देंगे. सही है? तो इसका मतलब है मेरा फर्स्ट ईयर का जो एक्सपेंस बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, 10,000 ऑप्शंस टू ईच एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 500, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन $8. ये कितने साल का है? ये 1st जनवरी से स्टार्ट हुआ है, ये टोटल पे कैलकुलेशन हो रही है, तो ये 3 साल का है ना. अच्छा, टोटल ठीक है. वो पिछली वाली एग्जांपल से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ 31st दिसंबर 2018 तक, तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट एज्यूमिंग. तो ये जो टोटल हमारा एक्सपेंस इनकर्ड हो रहा है तो 3 साल का है ना, तो हम पहले साल का एक्सपेंस बुक करने के लिए इसको 1/3 कर देते हैं. ठीक है, 1/3 करते हैं अगर हम, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो तकरीबन आप समझ लें 1.33 मिलियन आ जाएगी रफली. सही है? इससे हम अपने पास एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और इक्विटी को क्रेडिट कर देंगे. अच्छा, अगर मेरी अजम्पशन ये है कि थ्रू आउट यही इम्प्लॉयज रहते हैं तो दूसरे साल का एक्सपेंस भी ये होगा, तीसरे साल का एक्सपेंस भी ये होगा और एट द एंड ऑफ ईयर 3 टोटल इक्विटी जो मेरी क्रिएट हो चुकी होगी वो क्रिएट हो चुकी होगी 4 मिलियन की. तीनों साल का एक्सपेंस मैं ऐड कर दूंगा तो मेरी वैल्यू जो है 4 मिलियन आ जाएगी, यानी कि 10,000 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय $8 करता हूं तो 4 मिलियन की वैल्यू आती है. और हर साल एक्सपेंस को डेबिट करूंगा और इक्विटी की वैल्यू को क्रेडिट कर दूंगा. सही, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकली हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बीच में से क्विट करके भी जा रहे होते. तो अब हम एज्यूम करते हैं 2016 में ड्यूरिंग 2016 10 एम्प्लॉयज छोड़कर चले गए आउट ऑफ 500. एट द एंड मैंने ये एस्टिमेट किया अ टोटल ऑफ 10% विल लीव अगले 2 साल में. अब ये जो वर्ड लिखा है ना अ टोटल ऑफ, तो एग्जाम में या तो ये वर्ड लिखा हुआ होगा अ टोटल ऑफ या ये लिखा हुआ होगा फर्दर इतने एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए. मुझे ये देखना है कि ईयर एंड के ऊपर मेरा टोटल एस्टिमेट कितना है कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन. तो मैं ये यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो मैं ये कहूंगा कि यार 500 में से 10 जा चुके हैं, लेकिन एस्टिमेट में क्या लिखा हुआ है टोटल 10% जाएंगे. तो अब ये टोटल जो है वो 10 को भी कवर कर रहा है.
तो 500 का 10% होता है 50 employees. तो 450 बचता है. अच्छा इस 50 में 10 भी कवर हो रहे हैं, ठीक है? सही है. मल्टीप्लाई बाय 10,000 ऑप्शंस, मल्टीप्लाई बाय $8 एंड मल्टीप्लाई बाय द टाइम फैक्टर दैट इज 1/3. तो मेरा एक्सपेंस फर्स्ट ईयर का कितना होगा? $1.2 million. ये मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस भी यही है, इक्विटी भी यही है. ठीक है. अब मैं सेकेंड ईयर के ऊपर आता हूँ, 2017 के ऊपर. 2017 में, ड्यूरिंग 2017, 15 एम्प्लॉइज लेफ्ट. सही है. 450 में से माइनस करेंगे. एंड अ टोटल ऑफ 10% विल लीव. अजम्पशन मेरी वही है. सही है. तो 450 का 10% हम लेस करेंगे. तो इसका मतलब ये है कि जो एस्टीमेशन मेरी पहले थी वही एस्टीमेशन सेम रही. या फिर एक काम करते हैं, टू मेक इट अ बिट डिफरेंट, थोड़ा सा चेंज लेकर आते हैं. मैं इस 10% को कैंसिल करके कर देता हूँ 15%. सही है. थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा. ठीक है. तो अब मेरी जो अजम्पशन है उसके हिसाब से 500 एम्प्लॉइज. अच्छा, इस 15% के अंदर मेरे पिछले 10 भी कवर हो रहे हैं और मेरे इस साल के 15 भी कवर हो रहे हैं. 25 ऑलरेडी कवर हो रहे हैं. तो 500 का 15% कितना होता है? 75. मल्टीप्लाई बाय 10,000, मल्टीप्लाई बाय $8. नाउ मल्टीप्लाई बाय 2/3 -$1.2 million. माइनस इसलिए किया ताकि एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाए. 2/3 अगर करता हूँ तो 2 साल का क्यूमुलेटिव एक्सपेंस आता है. क्योंकि मैं ऑलरेडी 1 ईयर का रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो मुझे सिर्फ 1 ईयर का इंक्रीमेंटल इफेक्ट चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ठीक है. ठीक है. तो इसका रफली अमाउंट बनता है आपका 2266667. एक मिनट होल्ड करो. हाँ जी. तो 2018 के अंदर हमारे पास 30 एम्प्लॉइज छोड़कर चले गए. ये अब एक्चुअल ईयर आ गया ना, तो अब एक्चुअल ईयर होगा तो हम एस्टीमेशंस पे नहीं जाएंगे. और 2018 में अब हम फाइंड आउट करेंगे पहले साल से एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने चले गए हमारे पास से. पहले 10 गए थे, 10, 15 लेफ्ट एंड देन 30 लेफ्ट. तो अब हमारे जो एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं जो कि इंटाइटल्ड हैं शेयर ऑप्शंस के लिए, वो होंगे 30 + 25. तो ये होते हैं आपके 55. तो 500 - 55 = 445. मल्टीप्लाई बाय 10,000, मल्टीप्लाई बाय $8. ये मेरा 3 साल का क्यूमुलेटिव एक्सपेंस आ जाएगा. और इस क्यूमुलेटिव एक्सपेंस में मैं ये देखूंगा कि मैं ऑलरेडी 2 साल में कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर चुका हूं. ठीक है. और लेस हो जाएगा. वो लेस हो जाएगा. ठीक है. तो मेरे पास यहाँ पर जो टोटल इक्विटी बन रही है, वो टोटल इक्विटी बन रही है, दिस इज द टोटल इक्विटी. रिमेम्बर, ये एक्सपेंस नहीं है, ये क्या है? 3 साल की टोटल इक्विटी. ठीक है. तो जो इक्विटी में 2 साल तक बुक कर चुका था, 2 ईयर्स तक जो मैंने इक्विटी बुक की थी, उस इक्विटी और इस इक्विटी का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो वो डिफरेंस एग्जैक्टली 3rd ईयर का मेरे पास एक्सपेंस फॉर द ईयर बन जाएगा. ठीक है. सही है. सही है. जो भी डिफरेंस होगा वो हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे. सही. तो सारी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है एम्प्लॉइज की आइडेंटिफिकेशन.
ठीक है, परसेंटेज वाइज में हमारे सिलेबस के अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट है, वरना इधर वे में हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ ऑप्शंस भी चेंज हो सकते हैं, प्राइस भी चेंज हो सकती है, ड्यूरेशन भी चेंज हो सकती है, प्रैक्टिकली एनीथिंग कैन बी चेंज्ड, लेकिन हमारे एग्जाम में यही सिनेरियो एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन। नाउ लेट्स डिस्कस कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। अभी मैंने आपको ये समझाया था कि कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट जो है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमने कमिट क्या किया हुआ है। जी इक्विटी में तो हम कमिट करते हैं कि हम इक्विटी देंगे। कैश सेटल के अंदर ये होता है कि जब हम इम्प्लॉयज से सर्विसेज लेते हैं तो शेयर ऑप्शंस देने की जगह हम उसको शेयर एप्रिसिएशन राइट देते हैं। ठीक है, शेयर ऑप्शंस में तो उसे इक्विटी मिलती है, शेयर एप्रिसिएशन राइट में उसे इक्विटी नहीं मिलती, लेकिन हमारी कंपनी की शेयर्स के अंदर जो भी एप्रिसिएशन हो रही होती है वो एप्रिसिएशन उसे कैश की फॉर्म में पे की जाती है। ठीक है, सो दिस इज द रीजन व्हाई दिस इज कॉल्ड कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। सही है। अच्छा, इक्विटी के मुकाबले में शेयर एप्रिसिएशन राइट में एक डिफरेंस ये है कि अगर एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ अमाउंट भी मिलता है तो वो अमाउंट वो ले लेगा, वो डिनाई नहीं करेगा, लेकिन इक्विटी में वो देखेगा मार्केट प्राइस की पोजीशन क्या है, और अगर उसे लगता है कि एक्सरसाइज करने में फायदा है तो वो इक्विटी एक्सरसाइज करेगा, और अदरवाइज इक्विटी को वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। दिस इज द रीजन व्हाई जो कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन है उसे हम इक्विटी रिकॉर्ड नहीं करते, बिकॉज इट्स अ लायबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी। ठीक है, सही है। तो इक्विटी सेटल क्या हो गई, इक्विटी, और कैश सेटल क्या हो गई, लायबिलिटी। लायबिलिटी, अच्छा, इसके अंदर भी हम इमीडिएट बेनिफिट नहीं देते, बल्कि इसके साथ भी हम सर्विस कंडीशन लगा देते हैं, और वो सर्विस कंडीशन जब तक मीट नहीं होती हम एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के ऊपर कैलकुलेशन करके चेक करते हैं कि कितने एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जो ये टाइटल या इंटाइटलमेंट हमारा लें। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल हमने 500 ऑप्शंस, या यूं कर लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे 100, और हमने 50 शेयर एप्रिसिएशन राइट टू ईच एम्प्लॉय दे दिया। ठीक है, ग्रांट डेट हमारी है 1st January 2016, और फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जो फेयर वैल्यू चाहिए होती है वो ईयर एंड के ऊपर चाहिए होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास ईयर एंड की फेयर वैल्यू होनी चाहिए, फेयर वैल्यू एट 31st December 16 इज $10। ठीक है, अब मैं ये चेक करूंगा कि ड्यूरिंग 2016 कितने एम्प्लॉयज ने बिजनेस को क्विट किया। ठीक है, सो लेट्स अज्यूम दैट 10 एम्प्लॉयज लेफ्ट एंड अ फर्दर 15 विल लीव ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 ईयर्स। अब मैंने थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दिया, पहले मैं टोटल ऑफ का वर्ड इस्तेमाल कर रहा था, अब मैंने 15 का वर्ड इस्तेमाल किया, फर्दर का वर्ड इस्तेमाल जी। अब लेट्स डू द कैलकुलेशन। इनिशियली हमारे पास कितने एम्प्लॉयज थे, 100, उसमें से 10 एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द ईयर चले गए और 15 की एक्सपेक्टेशन है, ये 15 एक्चुअल नहीं है, 15 एस्टिमेटेड अमाउंट, और हमने 50 एप्रिसिएशन राइट दिए एक एम्प्लॉय को, एक एप्रिसिएशन राइट की वैल्यू है $10, और सर्विस कंडीशन की मेरी अजम्पशन वही थर्ड ईयर की मैं लेकर चलता हूँ, तो थर्ड ईयर के अंदर ये ऑप्शन वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो
अब हमारे पास जो कैलकुलेशन होगी तो उसमें 25 इसमें ईयर तो वन एक ही है ना, 31 दिसंबर को खत्म हो रहे फेयर वैल्यू। अभी मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा तो मैं वेस्टिंग डेट वही 3 साल की एज्यूम करके कैलकुलेशन कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, कंटिन्यूटी में ठीक है, सही है। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है फर्स्ट ईयर की वो आ रही है 12,500। ठीक है, तो इस 12,500 से मैं अपने पास एक एंट्री पास करूंगा, एक्सपेंस को डेबिट किया 12,500 से, और इन स्टेड ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मैंने लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये ऑब्लिगेशन। जब भी हमें ये आइडेंटिफाई करना हो कि ये ऑब्लिगेशन है या इक्विटी है तो हम पहले ये टेस्ट करते हैं कि कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं है। जब तक कोई ऑब्लिगेशन का एविडेंस ना हो हम इसको क्या कहेंगे, इट्स एन इक्विटी। तो इसमें क्योंकि ऑब्लिगेशन का एलिमेंट फाइंड आउट हो सकता है तो हम इसे कह रहे हैं कि इट्स अ लायबिलिटी। अच्छा, अब नेक्स्ट ईयर 2017 में दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक तो हमें पता होनी चाहिए कि फेयर वैल्यू ऑफ एप्रिसिएशन राइट क्या है। देखिए इक्विटी के केस में मैंने हर साल उसकी फेयर वैल्यू को अपडेट नहीं किया जी, क्योंकि इक्विटी ओरिजिनल अमाउंट पे रिकॉर्ड होती है, फिर सब्सिक्वेंटली हम उसको चेंज नहीं करते। ठीक है, लेकिन लायबिलिटी है तो लायबिलिटी को हर साल फेयर वैल्यू के ऊपर रीमेजर करना पड़ेगा। एक तो ये चेंज है। दूसरा, ड्यूरिंग 2017 10 एम्प्लॉइज लेफ्ट, फर्दर 10 एम्प्लॉइज चले गए और अब मैं एंटीसिपेट कर रहा हूं एंड अ फर्दर 30 विल लीव। ठीक है, अब मैं जब कैलकुलेशन करने जाऊंगा तो 100 एम्प्लॉइज ऑलरेडी देयर वाज 100 एम्प्लॉइज, 10 लेफ्ट इन दिस ईयर एंड 30 विल लीव इन द नेक्स्ट ईयर, जो आखिरी साल होगा। नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाई बाय, अब हम इन स्टेड ऑफ 10 जिस साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं उस साल की फेयर वैल्यू लेंगे। 11 सर, ठीक है सही। उसका रीजन ये है कि जब हम एप्रिसिएशन राइट की पेमेंट करेंगे तो हम तो उस डेट की पेमेंट करेंगे ना जिस डेट के ऊपर उसका राइट एस्टेब्लिश होगा जी। तो हमारी पेमेंट ग्रेजुअली बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो अब मेरे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो हो गए एग्जैक्टली 50 ऑप्शंस आ गए, 11 की पेमेंट हो गई और इसको मैंने 2/3 किया तो आंसर होना चाहिए मल्टीप्लाई बाय 2/3 तो आंसर होना चाहिए 18333। ये इक्विटी की वैल्यू आ गई। सही है, लायबिलिटी आ गई। सही है, सॉरी ठीक है, लायबिलिटी नहीं, इक्विटी नहीं, इट्स अ लायबिलिटी। ये लायबिलिटी, ये टोटल लायबिलिटी आ गई। और कितनी लायबिलिटी हम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं? 12,500। इसमें 12,500 हम डिडक्ट कर देते हैं तो जो एडिशनल इंपैक्ट है इस साल लायबिलिटी का वो कितना है, 5,833, जिसको हम एक्सपेंस बुक कर लेंगे। सही, सही। अब 2018 के अंदर 20 एम्प्लॉइज लेफ्ट, अब ये एक्चुअल पोजीशन आ गई। सही है, अब हम एस्टिमेट दोबारा नहीं करेंगे एंड फेयर वैल्यू ऑफ शेयर एप्रिसिएशन राइट इज $12। ठीक है, तो अब हमने जो एंटीसिपेट किया था तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। 10 employees left previously in the first year, 10 in the next year and 20 in the last year. और वैल्यू क्या लेंगे? 12. अपडेटेड वैल्यू लेंगे 12. सही है। और थर्ड ईयर में है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3/3 करने की कोई लॉजिक बनती नहीं है। तो अब हमारी जो कैलकुलेशन होगी तो हमारे पास टोटल 60 employees हो गए, 50 एक को हमने बेनिफिट दिया और टोटल लायबिलिटी आ गई हमारी 36,000। हम ऑलरेडी कितनी लायबिलिटी बुक कर चुके थे ऊपर सेकंड ईयर? 5,833।
सेकेंड ईयर में नहीं, पहले हमने एक्सपेंस बुक किया था 12,500 का, फिर हमने एक्सपेंस बुक किया 5,833 का, दैट मीन्स टोटल लाइबिलिटी वॉज 18,333। अब 18,333 अब लाइबिलिटी बन रही है 36,000। तो इस साल का जो एक्सपेंस बनेगा वो बनेगा 36,000 माइनस 18,333 इज इक्वल टू 17,667। ठीक है, सही है, सही है। अब हमने ये अपने एंड से बुक किए जी, ऐसा हो सकता है कि जब वो राइट एक्सरसाइज करेंगे तो एक्चुअल पेमेंट इससे ज्यादा भी हो सकती है, एक्चुअल पेमेंट 40,000 भी हो सकती है और एक्चुअल पेमेंट कम भी हो सकती है। हम क्या करेंगे, हम जितनी एक्चुअल पेमेंट करेंगे, अगर 36,000 अब तक हमने रिकॉर्ड कर लिया और अगर हमें 40,000 देना है तो हम एडिशनल 4,000 का एक्सपेंस पे बुक करेंगे। सही है। और अगर हमने 36,000 रिकॉर्ड कर लिया है और 35 की पेमेंट है तो फिर हम 1,000 को एक्सपेंस को कैंसिल करने के लिए इनकम रिकॉर्ड करेंगे। सही है, ठीक है, ठीक है। ये आपकी जो है